हाय हेलो दोस्तों, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की 32वीं फिल्म जो पांचवें फेज का अहम हिस्सा होने वाली है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो आज हम उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं अजय, आपका स्वागत करता हूं चैनल में। विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स जंप टू रिव्यू। सभी मार्वल फैंस की तरह मैं भी इस मूवी के बारे में बहुत एक्साइटेड था। आज सुबह सुबह जल्दी का फर्स्ट शो मैंने जाकर ये मूवी को देखा और आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट कि इतना सुबह का वक्त होने के बावजूद भी थिएटर में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने मिली। ये कहानी शुरू होती है वॉल्यूम 2 के एंड से, जहाँ पर नोवेयर नाम की जगह पर ये गार्डियंस अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं। गमोरा के वो बिछड़ने का गम उनके दिलों में तो होता ही है, लेकिन तभी अचानक से रॉकेट पर एक जानलेवा हमला होता है। ये जानलेवा हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि रॉकेट की जान दाव पर लगी होती है। तभी इन गार्डियंस के कंधे पर रॉकेट की जान बचाने का एक नया मिशन आता है। क्या वो इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और वो कौन इंसान होता है जो रॉकेट की जान लेना चाहता है, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस मूवी के खत्म होने तक मिलते हैं। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया था, तभी ये समझ में आ गया था कि ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है। और जब हम ये मूवी देखने लगते हैं तो हमें ये अंदर से अंदर फील होने लगता है और हम उनके इमोशन से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कहानी इस बार काफी मजेदार और इंप्रेसिव है। रॉकेट बनने तक का जो सफर है वो हमें पर्दे पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, जिसे हम इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे का ये रन टाइम हमें देखते देखते कब निकल गया ये समझ में ही नहीं आता। आमतौर पर अपनी पेचीदा कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले MCU ने इस बार कहानी को बहुत सिंपल रखा है और अच्छा रखा है। अगर आपने एंड गेम देखी होगी, अगर आपने इसका वॉल्यूम 2 देखा होगा, तो आप बहुत ही इजीली इस मूवी से कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी MCU मूवी की तरह भी ये मूवी एक विजुअली स्पेक्टेकुलर है, जो 3D में हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। स्पेशली इस बार डबिंग बहुत अच्छी की है। जो कॉमिक सीन्स है, जो कॉमिक पंचेस है, इस बार और भी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो हमें देख कर बहुत मज़ा भी आता है और हम सुनकर उसे हंसने पर मजबूर भी हो जाते हैं। स्क्रीन प्ले एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवी सिंपली अमेजिंग, लेकिन कुछ कुछ जगह पर यह कहानी हमें धीमी होती हुई भी नज़र आती है, लेकिन बीच में आने वाले एक्शन सीन्स और इमोशनल सीन्स इस मूवी को फिर से ट्रैक पर लाते हैं। बाकी सभी मार्वल मूवीज में बहुत सारा एक्शन सीन हमें देखने मिलते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं, लेकिन इस मूवी में थोड़े कम एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है, तो इमोशनल सीन थोड़े ज़्यादा है और एक्शन सीन थोड़े कम है। भले इस मूवी का अगर रन टाइम बढ़ा भी दिया जाता और एक्शन सीन उसमें ज़्यादा डाल दिए जाते, तो भी इस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा निकल के आता। सिल्वेस्टर स्टोन का गेस्ट अपीयरेंस, ग्रूट को विन डीजल की आवाज़, ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है इस मूवी का। इस मूवी में विलन दिखाया गया है, जो विलन इतना पावरफुल नज़र नहीं आता एज़ कम्पेयर टू इससे पहले जो जिस मूवी में हमने MCU की मूवीज़ में जो विलन्स देखे वो काफ़ी तगड़े नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर विलन थोड़ा वीक नज़र आता है। अगर उस विलन को अच्छी तरीके से लिखा होता, उसका कैरेक्टर और डेवलप किया होता, तो ये एक अच्छा खासा तगड़ा विलन बन पाता। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स अपने एंड क्रेडिट सीन में हिंट देने के लिए काफ़ी मशहूर है। इस बार भी ये हिंट है, लेकिन इतनी इंप्रेसिव नहीं जितना मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। इस बार मुझे एंड क्रेडिट सीन ने बहुत निराश किया। ऑल इन ऑल, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ये मूवी ट्रीट है उन सभी MCU फैंस के लिए, जो उनको इस तरह की मूवी पसंद आती है, उनको ये मूवी डेफिनेटली जरूर पसंद आएगी। तो जाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीकेंड में इस मूवी को जाके एंजॉय करिए। मैं देता हूं 3.5 स्टार की रेटिंग टू दिस मूवी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।